आपको जो है सोशल मीडिया से आप लोग दूरी बनाए हैं कि ना? नहीं बनाए तो बनाइए, और इस चक्कर में मत पड़िए कि वैकेंसी 2000 प्लस आएगा कि 2000 से कम आएगा, इस चक्कर में मत पड़िए। बिहार दरोगा की कितनी वैकेंसी आ रही है पहले आप ये रोशन सर जो बता रहे हैं ये वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने से कम समय में कितना अच्छा से आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो थोड़ा सा करते इस चक्कर में मत पड़िए काहे कि यूट्यूबर सबको कोई खास काम है नहीं, तो अपना लगन रहता है। कभी कहेगा 2300 आएगा, वही थोड़ा दिन के बाद कहेगा 2000 आएगा, और वही कहेगा कितना आएगा 1835। अच्छा, तो जागरूकता फैला हुआ है, बढ़िया है। तो एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, और वैकेंसी का जहां तक सवाल है, वैकेंसी तो आएगा, इसमें कोई शक न है कि नहीं आएगा, और ऐसे तो 6000 पोस्ट को और भरना है, 6000 एसआई के पोस्ट को और भरना है, ऐसे 6000 तीन बार आएगा वैकेंसी, अप्रोक्स में 2000 के आसपास करके, 2000 और 2000 के आसपास करके तीन बार आएगा वैकेंसी। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि आपको इस वैकेंसी को लास्ट मान करके चलना है, इसके पीछे हम तर्क दे रहे हैं, तर्क समझिए आप। एक तो इस वैकेंसी को क्लियर, जो नेक्स्ट वैकेंसी आना है, इस वैकेंसी को क्लियर करते करते बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, और चुनाव हो जाने के बाद वैकेंसी आने में थोड़ा समय लगता है। जैसे आप याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारा वैकेंसी था, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीधे वैकेंसी 2022-23 में आया है, 2 साल का गैप रहा है। आप उस काल का 2021-22 जाकर के देख लीजिए, वैकेंसी नहीं था, इंक्लूडिंग बिहार पुलिस तक में वैकेंसी नहीं था, बिहार दरोगा तो छोड़िए, समझे? तो वो 2 साल जो है, उस 2 साल में जो भी प्रक्रिया हो रहा था वो पहले के वैकेंसी का हो रहा था, लेकिन वो 2 साल में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो इसी वजह से जब 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो उसके बाद साल 2 साल तक, 2 साल तक तो आप, हम तो कहते हैं 3 साल तक, जहां तक हमारी जानकारी है 3 साल तक वैकेंसी का आना थोड़ा मुश्किल है। फिर 3 साल के बाद आएगा वैकेंसी, तो आपको 2026 तक के लिए इस वैकेंसी को, 2027 तक के लिए, 2027 तक के लिए ये बिहार एसआई का लास्ट वैकेंसी होगा जो अभी आना है, जो अभी आना है। और आपको
2000 से कम रहेगा वैकेंसी, मैक्सिमम 2000 रहेगा। वो जो 1835 के चक्कर में है आप लोग, या तो उससे 10 20 50 ज्यादा रहेगा या 10 20 50 कम रहेगा, उतना नहीं रहेगा इतना हमको पता है, लेकिन 2000 से ज्यादा भी नहीं रहेगा। 1990 रहे या 1870 रहे या 1890 रहे या 1900 रहे या 1935 रहे, लेकिन मैक्सिमम वैकेंसी 2000 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, समझे। तो पोस्ट के चक्कर में मत पड़िए कि कितना रहेगा। लोग तो 64 में रिजल्ट ले लेता है, 64 को पोस्ट के लिए वैकेंसी आता है तो लोग तो उसमें रिजल्ट ले लेता है, समझे। तो आपकी जागरूकता से इस बात का एहसास हमें हुआ कि आप सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाए, और जब तक नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। हम लोग बचपन से लेकर के आज तक सुनते हुए आए हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जैसा कि अभी आप लोग वीडियो देखे होंगे तो रोशन सर ने बताया कि एक वैकेंसी आपको आ रही है जो कि 2000 से कम ही सीट रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको कम समय में ज्यादा तैयारी करना है, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो, जो कि 1 से 2 मंथ में आपका तैयारी और स्ट्रांग हो सकता है। तो कैसे स्ट्रांग हो सकता है, तो घर बैठे तैयारी करने के लिए आपको इस चैनल पे सारे PDF अवेलेबल करा दिए गए हैं, जिसे आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहाँ पे आप मैसेज करके सारे PDF ले सकते हो। अब कौन कौन सा PDF है, तो ये ज्ञान बिंदु के सारे सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा, इसके साथ साथ ही खान सर के सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। और रही बात मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस 10 सालों का ACC वाला जो क्वेश्चन रहता है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार दरोगा में, तो वो भी क्वेश्चन वाली बुक आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही इनको, जिन लोगों को घर पे बैठ कर सेल्फ स्टडी करना है और ज्यादा से ज्यादा वर्ण पढ़ना है, तो NCERT का भी स्पेशल बुक रखा गया, जो कि 6 से लेकर 12 तक के सारे PDF अवेलेबल है इस चैनल पे। और दृष्टि का क्यूक बुक, जो कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आता है, साइंस का आता है, सोशल साइंस का आता है, पॉलिटिक्स का, अलग अलग पार्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो यदि आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर से, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शो कर रहा होगा, वहां से आप कमेंट करके मैसेज करके आप ले सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें।